फ्रेंड्स, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है 8 कलर्स। तो जो आज की वीडियो आप देख रहे हैं इसमें आपको अलग से कुछ मिलेगा देखने को, जैसे कि एक तो मेरा बैकग्राउंड आपको देखने को मिलेगा जो कि हम यूट्यूब से सीखा है कि कैसे चेंज करें, और जो सेकंड चीज है जो आज हम जिस चीज की अनबॉक्सिंग करने जा रहे हैं वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट है जिसके करेंगे DJI का जो है ओस्मो एक्शन कैमरा जो कि ड्यूअल स्क्रीन के साथ आता है और 4K क्वालिटी के साथ आता है, इसकी आज हम आपके सामने अनबॉक्सिंग करेंगे। और ये हमारे चैनल की सबसे इम्पोर्टेंट गैजेट है जो कि हमने मंगवाया था अमेजोन से। एक्चुअली हम मंगवाना तो GoPro का चाहते थे लेकिन GoPro 9 में जो फंक्शन है वही सेम फंक्शन इसमें है और करीब 10,000 का इसमें और उसके प्राइस में फर्क है। इस फर्क के लिए हमने ये वाला एक्शन कैमरा ऑर्डर किया और आज ये हमारे हाथ में है, तो कुछ इस तरह दिखता है। तो फ्रेंड्स, आज शुरू करते हैं हम DJI Osmo Action की अनबॉक्सिंग की वीडियो। सो फ्रेंड्स, ये हमारे पास DJI का Osmo Action कैमरा जो कि हमने ऑर्डर किया था अमेजोन से, और ये बॉक्स के कुछ कंटेंट वगैरह लिख रखे हैं। और ये कैमरा है मेड इन चाइना जैसे कि आपने देख लिया होगा, और इस पर लिख रखा है MRP, और ये बॉक्स के अंदर जो जो आइटम है वो लिख रखी हैं। और इसके कुछ फीचर्स हम देख लेते हैं, जैसे कि रॉक स्टडी मोड है जो कि इसमें बहुत ही बेस्ट तरीके से काम करता है, ड्यूअल स्क्रीन है, HDR वीडियो 4K 60fps पे डाउनलोड कर सकता है, वाटरप्रूफ है, 8x तक स्लोमो कर सकता है। और ये कुछ और फीचर्स हैं जो कि आपके काम आएंगे और आप पढ़ सकते हैं इस पे। और ये DJI Mimo ऐप के लिए ये स्कैनर दे रखा है, और जो इसकी पैकेजिंग थी वो बहुत ही तगड़ी कर रखी थी DJI ने, और हमें खोलने में भी 1-2 मिनट लग गया। तो एक्चुअली क्या है, रियल में जो DJI कंपनी है वो ड्रोन्स और रोबोटिक्स में बहुत ही अच्छी डील करती है, बहुत ही अच्छी कंपनी है, कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन अब जो ये वाला DJI का Osmo Action कैमरा है, ये इनका फर्स्ट कैमरा है जो कि इन्होंने मार्केट में लॉन्च किया है। तो अब इसके बॉक्स को खोल लेंगे, सील ब्रेक कर लेंगे। सील ब्रेक करने के बाद जैसे ही बॉक्स खुलता है तो हमारा सामने होता है एक छोटा सा प्यारा सा कैमरा जो कि हम निकाल लेंगे। और ये जो फर्स्ट, और ये बहुत ही तगड़ा लग रहा है क्योंकि इसका जो मैटर है बहुत ही अच्छा है। और इसको एक बार साइड में रखेंगे और सेकंड बॉक्स खोल लेंगे हम, और सेकंड बॉक्स में हमें मिलेगा इसके कुछ और इम्पोर्टेंट गैजेट्स, जैसे कि फर्स्ट हमें मिलेगा ये माउंट करने के लिए बाइक वगैरह पे, अगर हेलमेट वगैरह पे आप माउंट करना चाहते हैं, और सेकंड मिलेगी आपको USB A2 टाइप सी चार्जिंग और डाटा ट्रांसफ़र के लिए एक डाटा केबल, और ये मिलेगा आपको स्क्रू माउंट करने के लिए, एक एक्स्ट्रा माउंट करने के लिए मिलेगा। और इसमें मिलेगी हमारी बैटरी जो कि हम बाद में खोलेंगे, और इसको खोलते हैं मैनुअल को जो कि बहुत ही बोरिंग होती है, तो इसको हम करेंगे बाद में, पढ़ेंगे ही नहीं वैसे। तो इन सारों को, इस सारी चीज़ों को हम रखेंगे साइड पे और अपना कैमरा करेंगे आगे। और बैटरी जो है 1220 mAh की है, 25 से 30 मिनट का आपको बैकअप दे देगी। और ये इसके ऊपर लगा होता है सेफ्टी कवर, और माउंट करने के लिए कवर भी है ये, तो इसमें से हम इसको बाहर निकाल लेंगे, इसके बिना ये माउंट नहीं होगा। तो अब इसकी जो क्वालिटी है वो बहुत ही बढ़िया है, फिल्म वगैरह हम इसकी निकाल लेंगे स्क्रीन वगैरह से, ये ड्यूअल स्क्रीन है। और ये है हमारी मेन स्क्रीन। अब इसको जल्दी से क्या करेंगे, अब इसमें डालेंगे बैटरी, और बैटरी के लिए आप देखेंगे तो दो लोग हैं इसमें, दोनों पे आवाज़ करेगा। और अच्छे से सेट होने के बाद हम करेंगे इसको बूट, तो ये हमने कर दिया इसको स्विच ऑन। इंग्लिश लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर लीजिए, ये DJI Mimo ऐप के लिए स्कैनर है जो कि हमने पहले से ही डाउनलोड कर ली थी और उस पर लॉगिन कर लिया था। तो अब इसको करेंगे स्किप, और आपको ये आपके लिए मांगेगा डेट कि आप डेट सेट कीजिए, तो हमने यहाँ पर कर दी इसकी डेट सेट। अब मांगेगा ये आपसे टाइम, जो भी टाइम होगा आप इसमें भर दीजिएगा जैसे मैं भर रहा हूँ, और इसको कर दीजिएगा ओके। और अब ये कैमरा हो चुका है बूट, लेकिन अब हम इसको करेंगे कनेक्ट अपने फ़ोन के साथ। तो फ़ोन के साथ कनेक्ट करने के लिए आप पहले ब्लूटूथ ऑन कीजिए फ़ोन का, और सीधा आपको Osmo Action के नाम से दिखा देगा। तो इसमें क्या है, 4K जो है 60fps तक हो सकती है, और बहुत ही रॉक स्टडी मोड के साथ, ये बहुत अच्छा फीचर है इसका। तो ये हम एक्सेप्ट कर देंगे ब्लूटूथ का, और ये लॉगिन करने के बाद ही आपको थोड़ा एलो मांगेगा फाइल वगैरह का, और एक्टिवेट कर लीजिएगा क्योंकि इसके विदाउट आपको वारंटी नहीं मिलेगी कैमरा की। तो इसके बाद एक्टिवेशन के बाद आपको ये दिखाएगा कुछ न्यू यूज़र गाइड,
आपको गाइड करेगा कि मेमोरी कार्ड वगैरह कैसे डालना है और ये हो जाएगा डन। अब मांगेगा आपसे सॉफ्टवेयर अपडेट जो कि इसमें 10-15 मिनट लगेंगे आपके, तो हमने ये कर दिया स्किप। तो यहाँ देखिए आप, हमें हमारा कैमरा हो चुका है इसके साथ कनेक्ट, और इसमें जो सबसे अच्छा फीचर है ये वाला है जो 2 टैप करके आप स्क्रीन स्विच कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आप व्लॉगिंग कर रहे हैं, आप सोलो व्लॉगिंग कर रहे हैं, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी इस मोड से। डबल टैप करने के बाद स्क्रीन वापस से फिर वैसे आ जाएगी। तो ये कैमरे के साथ में आपको मिलेगा एक स्लोट जिसके अंदर आप मेमोरी कार्ड और चार्जिंग पॉइंट लगा सकते हैं जो कि टाइप सी है, और मेमोरी कार्ड इसमें लगेगा सैमसंग का 100 Mbps वाला अल्ट्रा मेमोरी कार्ड। तो ये है हमारा कैमरा। तो ये हमारी वीडियो है 4K 30fps में, जिसमें रॉक स्टेडी मोड हमने ऑन कर रखा है, और इसमें आप देख ही सकते हैं पीछे का जो बैकग्राउंड है वो इतना हिलेगा नहीं, शेक नहीं होगा जब हम इसको जितना मर्जी हिला लें। और वॉइस क्वालिटी आप खुद ही देख लेंगे कि कैसी है। और सेकंड थिंग जो इस कैमरे की सबसे बढ़िया बात है वो ये है कि ये 4K 60fps में भी डाउनलोड रिकॉर्ड कर सकता है। और सेकंड थिंग, इसके माइक्रोफोन 2 दे रखे हैं जिससे वॉइस क्वालिटी बहुत ही तगड़ी हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये था हमारा DJI का Osmo Action की अनबॉक्सिंग। और इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले तो इस वीडियो को लाइक करना है जो कि नीचे बटन मिलेगा आपको लाइक का, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज, और शेयर हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। और अगर आप भी नए यूट्यूबर हैं और ये DJI का Osmo Action कैमरा लेना, तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन लिंक में दे दूंगा, जो कि अमेजोन से मंगाया था हमने, तो बहुत ही बेस्ट सर्विस है अमेजोन की तरफ से, और ये कैमरा बहुत ही